अनमोल है जीवन, तू संभल जरा, हर संकट का हल होता है, उस पर कर तू अमल जरा। आसा नहीं कठिन है रास्ता, मगर चलता जा ढूंढते ढूंढते नहीं डगर, कर इस पर तू सोच विचार जरा, अनमोल है जीवन तू संभल जरा। कठिन होता है रास्ता जब तक है अनजान, आसान हो सफर बस कर उसकी पहचान, सोच समझ कर तू चल जरा, अनमोल है जीवन तू संभल जरा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जल्दी इसका उपाय नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। शायद आप सभी ने सुना होगा कि पुराने जमाने में अगर कोई महामारी एक गांव में फैल जाती थी तो सारा गांव उसकी चपेट में आता था और शायद ही कोई इससे बच पाता था। एक बीमारी कई लोगों के मौत का कारण बन जाती थी। ऐसी समस्या फिर एक बार दस्तक दे रही है और वो समस्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर आज इस समस्या को समझ नहीं पाए तो ये फिर एक बार कई लोगों के मौत का कारण बन सकती है। चलिए दोस्तों, आज हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं और उसका समाधान जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो पूरा देखें और इस समस्या को समझ लीजिए ताकि आगे होने वाली असुविधा का कुछ उपाय हम कर सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहले हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का अर्थ जान लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। हमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बैक्टीरिया खुद को इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि एंटीबायोटिक उसे मार नहीं पाता। उस वक्त उस बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये कितना सीरियस है, क्या हमें इसे डरना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, उनसे बहुत बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते। फर्ज करो कोई भी आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से संक्रमित है और वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन अब आपको भी हुआ है। अगर ऐसा होता है तो अब आपका जीवन भी खतरे में है, क्योंकि इस बैक्टीरिया का तोड़ निकालना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सारी दुनिया में इतने जल्द फैल रहा है कि कुछ साल बाद ये आधी आबादी को नष्ट कर सकता है। इस वक्त हर साल करीब 1 लाख से ऊपर मरीज इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण मौत का सामना कर रहे हैं। और इसे यही नहीं रोका गया तो कुछ सालों में ये संख्या करोड़ों में हो सकती है। उस वक्त छोटी छोटी बीमारियां भी मौत का कारण बन सकती है। उस वक्त कोई सर्जन ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसका उपाय नहीं किया गया तो ऐसी कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका कारण क्या है। इसका पहला कारण है एंटीबायोटिक्स का अतिरिक्त इस्तेमाल। हम जितना ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उतना जल्द बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाता है और हम बहुत बहुत ही ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो पेशेंट डॉक्टर की सलाह के सिवा एंटीबायोटिक्स बार बार आधी अधूरी इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण भी ये रेजिस्टेंस जल्द फैलने में मदद होती है। अब एक प्रश्न मन में आ सकता है, इसका हल क्या हो सकता है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अगर हम दोनों तरफ से सोचेंगे तो एक अच्छे नतीजे तक पहुंच सकते हैं। पहले हम एक पहलू देख लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त कई लोगों को इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस समस्या के बारे में अवगत करना होगा, तभी हम इसका कोई हल निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हमें इस एंटीबायोटिक का जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, जहाँ एंटीबायोटिक लेना बहुत ही जरूरी है वही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना होगा। हमें छोटी छोटी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक लेना बंद करना होगा। उदाहरण के तौर पर गले की खराश, ये बिना कोई दवा के भी कम हो सकती है, लेकिन हमें इसके लिए भी एंटीबायोटिक लेने में खुशी मिलती है। अब हमें ये आदत बदलनी होगी। तीसरी बात यह है कि हम बहुत बार डॉक्टर की सलाह के सिवा एंटीबायोटिक खरीद कर आधी अधूरी लेकर छोड़ देते हैं, हमें ये आदत बदलनी होगी। डॉक्टर की सलाह के सिवा कोई एंटीबायोटिक ना ले और जब भी एंटीबायोटिक लेते हो उसका पूरा कोर्स ले।
ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा न फैल सके। चौथी बात, हमें नई एंटीबायोटिक की खोज करनी होगी, लेकिन ये बात अब मुश्किल लग रही है, क्योंकि पहले तो जब भी बैक्टीरिया पुराने एंटीबायोटिक को रजिस्टर होते थे तो हम कई नई एंटीबायोटिक की खोज करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से अब नई एंटीबायोटिक की खोज रुक गई है। हमें जल्द ही इस पर काम करना होगा, नहीं तो ये समस्या बहुत ही गंभीर रूप ले सकती है। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू भी समझ लेते हैं। जब हम दूसरी तरफ से सोचेंगे तो एक बात समझ में आती है कि बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक को रजिस्टर्ड होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको भी जीने का हक है। एंटीबायोटिक से हम उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बचने के लिए बैक्टीरिया अपने आप में बदलाव करते हैं ताकि वो भी जी सके। लाइक चेंज इज इनेविटेबल, इफ यू डू नॉट चेंज यू विल लूज। इससे एक बात समझ में आती है कि हमें बैक्टीरिया के साथ इस तरह रहना होगा कि ना हमें उनको मारने की जरूरत पड़े और ना हमें कुछ बाधा हो। इसलिए हमें अपनी खुद की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी होगी ताकि हम उन बैक्टीरिया प्रति सेंसिटिव ना हो और उनको मारे बिना जी सके। जैसे कि अहिंसा परमो धर्म, हम उनको कोई चोट ना दें, खुद को इतना बलवान बनाए कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं यहाँ एक कहानी का आधार लेकर ये बात समझाना चाहता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो जरासंध, कंस के ससुर, को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि श्री कृष्ण की वजह से उनकी दोनों बेटियां विधवा हो गई थी। तब जरासंध ने बदला लेने के लिए श्री कृष्ण और यादव कुल को समाप्त करने की ठान ली और उसके लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हर बार उनको परास्त करते गए। फिर भी कुछ समय बाद उनके अपने भक्तों के प्रति स्नेह के कारण श्री कृष्ण ने अपना राज्य मथुरा से उठाकर द्वारका में स्थापित किया ताकि मासूम लोगों को तकलीफ ना हो। अब द्वारका एक द्वीप था तो उस पर आक्रमण करना जरासंध के लिए मुमकिन नहीं था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा की। इससे हमें क्या सबक मिलता है? हर वक्त हत्या ही हर संकट का समाधान नहीं होता, इसलिए हम खुद को इतना बलवान बनाए कि वो हमारा कुछ न बिगाड़ सके और उसके लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करना होगा। अब एक संदेह मन में आ सकता है, अगर एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जब इन्फेक्शन होता है तब क्या करें? इसका उत्तर बहुत आसान है। अगर आपकी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक लेना बहुत ही जरूरी है तो जरूर ले, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जहां एंटीबायोटिक बिना तकलीफ कम हो सकती है, जैसे कि गले की खराश। इसे ठीक करने के लिए कोई एंटीबायोटिक की जरूरी नहीं है, फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमें जिम्मेदारी से इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो बड़ी आफत आ सकती है। दोस्तों, जब घर में पानी ना हो और गांव में सूखा पड़ा हो तो जिस तरह हम सोच संभल कर पानी का उपयोग करते हैं उसी तरह आज एंटीबायोटिक का उपयोग करना होगा। दूसरी बात, ऐसी कई दवाइयाँ आयुर्वेद और होम्योपैथी में है जो कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आ सकती है, उनका उपयोग हमें करना होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, तुलसी आप सबको मालूम है, पुराने जमाने में इसका कई बीमारियों में इस्तेमाल होता था, इसे बहुत ही गुणकारी माना जाता था, लेकिन आज हम शायद ही कभी इसका उपयोग करते हैं। ऐसी कई औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल हम भूल गए। दूसरी बात, होम्योपैथी में भी बहुत सी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करके हम कोई भी इन्फेक्शन कम कर सकते हैं। आप जो चाहे करो, आयुर्वेद या होम्योपैथी, अपनी पसंद के अनुसार उपयोग करो, लेकिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपको या फिर आपके किसी करीबी को एक ऐसा इन्फेक्शन होगा जिसका तोड़ किसी भी मौजूद एंटीबायोटिक में नहीं होगा और वही मौत का कारण बन जाएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, इस पर जरूर सोचें, अपने डॉक्टर से इस विषय पर अधिक जानकारी लें और हमेशा सेहत बनाए रखें। चाहे तो आप इसके लिए नियमित व्यायाम या फिर योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे। हमेशा तनाव मुक्त जीवन जिए, सकारात्मक दृष्टि रखें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बलवान बनी रहे। दोस्तों, एंटीबायोटिक के बारे में आखिर में मैं कहना चाहूँगा, जान है तो जहान है, सुरक्षा का ये वरदान है, इसे संभल कर इस्तेमाल कीजिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिचित व्यक्ति को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।